हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नवंबर के करंट अफेयर पूरे कवर करेंगे। डेली हम नहीं कर पाए और वो रह गया, वीकली भी नहीं कर पाए क्योंकि बाकी काम थे, तो मंथली तो लेकिन कर लेते हैं ताकि आपका ये कवर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेज़ और थीम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2023। तो 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स का फाउंडेशन डे होता है, जिनमें MP, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ये तीनों ही शामिल हैं। झारखंड इसमें नहीं है, तो आंसर B इसका करेक्ट होगा। हम देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं ये जिनका 1 नवंबर को फॉर्मेशन डे होता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। जबकि झारखंड का फॉर्मेशन डे है 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक सेपरेट स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड वीगन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ ये आंसर होगा। थीम इसकी इस बार की है सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। इस दिन को डेडिकेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वीगन डाइट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। EPFO सेलिब्रेटेड इट्स 71st फाउंडेशन डे इन विच स्टेट और UT। तो ये सेलिब्रेट किया गया है EPFO का फाउंडेशन डे दिल्ली में, ऑप्शन B करेक्ट होगा। EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 71st फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट हुआ है दिल्ली में भारत मंडपम में। और क्योंकि यहाँ दिल्ली की बात की गई है, तो दिल्ली के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1999 में किया गया था। इसके ज़रिए संविधान में आर्टिकल 239AA और 239AB इनको जोड़ा गया, और इसके ज़रिए ही यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, और भारत मंडपम यहीं पर G20 समिट हुई थी भारत में 2023 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। इसकी थीम रखी गई है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। विजिलेंस अवेयरनेस वीक को नवंबर के स्टार्टिंग के हफ्ते में सेलिब्रेट किया गया था, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इस समय है हमारे प्रवीण श्रीवास्तव, और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1964 में स्टेब्लिश की गई थी। व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 5 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसको सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर को। 2014 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस डे को, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में कैंसर की स्थिति हम देखें तो 1 in 10 इंडियंस, ये वन इन 10 इंडियंस की लाइफ टाइम में कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, और 1 in 15 कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को 7 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। इस दिन को मनाते हैं टू क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फेंट केयर स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ग्रोथ। और फिलहाल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भारत में कितना है 2023 में, 26.619 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है, 2022 लास्ट ईयर से इस बार 3.89% का डिक्लाइन देखा गया है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। 9 नवंबर के दिन ही लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इसी की याद में, इसी को मनाने के लिए, उसकी इम्पॉर्टेंस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 9 नवंबर 1995 टू ऑफर प्रो बोनो लीगल सर्विसेज टू पीपल। ठीक है, एक्ट है 1987 का, 1995 में इसको इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे होता है 9 नवंबर को। तो हमने झारखंड का तो देखा था, 15 नवंबर होता है ना। उत्तराखंड का होता है 9 नवंबर के दिन फाउंडेशन डे, तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड अपना 23rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया उत्तराखंड ने 2023 में। 2000 में उत्तराखंड को क्रिएट किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर के दिन। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेन इवेंट है उत्तराखंड फाउंडेशन डे का, इसको हमारी प्रेसिडेंट ने अटेंड किया। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं यहाँ के गुरमीत सिंह। यहाँ बाकी कुछ स्टेट्स के भी फाउंडेशन देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का है 1 नवंबर 1953 में ये फॉर्म हुआ था। महाराष्ट्र मई 1, 1960 में फॉर्म हुआ था। गोवा 30 मई 1987 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। मणिपुर 21 जनवरी 1972 में। मेघालय 21 जनवरी 1972। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। राजस्थान 30 मार्च 1949 में, पहले इसे राजपूताना के नाम से जानते थे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। सिक्किम 16 मई 1975। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयुर्वेदा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन 2023। इस दिन को सेलिब्रेट किया गया 10 नवंबर को। थीम है इसकी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ और इस दिन के लिए टैगलाइन रखी गई थी आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। इस दिन को 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन और ये जो एजुकेशन डे है इसको हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे आज़ाद भारत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। वर्ल्ड निमोनिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इसकी एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है 14 नवंबर। थीम है इसकी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर और 14 नवंबर बाल दिवस या फिर चिल्ड्रंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। थीम इसकी रखी गई है फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड। नेशनल एपिलेप्सी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन इंडिया। इसको 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एपिलेप्सी डे को और थीम है इसकी सीजिंग द मोमेंट ब्रेकिंग द स्टिग्मा। नेशनल नेचुरोपैथी डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 18 नवंबर को मनाते हैं। थीम है नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाते हैं? तो ये 19 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है ज़ीरो मेल सुसाइड। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन को 26 नवंबर को मनाते हैं। अच्छे से याद रहना चाहिए, संविधान दिवस के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था। अब यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो 1 नवंबर होता है वर्ल्ड वीगन डे। थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 5 नवंबर होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को होता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे। इसकी थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। 10 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे जिसकी थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। फिर आता है 12 नवंबर। इस दिन होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। थीम है सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज़ डे होता है। थीम है सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज़ एंड एक्वा कल्चर। 25 नवंबर को द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। इसकी थीम है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एंड गर्ल्स। 26 नवंबर को होता है नेशनल मिल्क डे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है 26 नवंबर। इस दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और इसी के साथ आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जहां पर हम स्टेट्स के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज़ गोइंग टू कंडक्ट काओ सेंसस। काओ सेंसस को कंडक्ट करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 20th लाइव स्टॉक सेंसस किया गया था 2019 में। अब नेक्स्ट सेंसस होगा 2024 में। हर 5 साल में लाइव स्टॉक सेंसस होता है ना, तो उसी की तर्ज पर अब यूपी गवर्नमेंट काओ सेंसस करने वाली है, जिसके तहत जितनी भी गाय हैं यूपी में उन सभी की जियो टैगिंग की जाएगी। सिलकियारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। और अभी क्यों इसकी बात चल रही है? क्योंकि जो कैबिनेट है हमारी, इसने अप्रूवल दिया है सिलकियारा बेंड बारकोट टनल को, उत्तराखंड में है ये, और इसको अप्रूवल दिया गया है एज पार्ट ऑफ चारधाम महामार्ग परियोजना। ठीक है, इस परियोजना पर गवर्नमेंट काम कर रही है ना, तो इसी के एक पार्ट के रूप में इस टनल को भी अप्रूवल मिला है। रिसेंटली द एनुअल पारूमाला पेरुनल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसको सेलिब्रेट किया गया केरला में। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों होता है? तो ये डेथ एनिवर्सरी होती है बाइशप मार ग्रिगोरियस की। ये फर्स्ट कैनोनाइज्ड सेंट थे ऑफ मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ केरला। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ये पारूमाला पेरुनल फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? टूना टेकरा टर्मिनल कहाँ पर? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है गुजरात में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इन विच सिटी विल द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन जनवरी 2024? तो IISF का 9th एडिशन देखने को मिलेगा फरीदाबाद में। ठीक है, थीम इसकी रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द आमा बैंक स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल ग्राम पंचायत्स? तो ये बैंकिंग स्कीम जो है उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई है, सारी ग्राम पंचायत्स में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए इसको किया गया। एम है द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू गिव बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल अनबैंक्ड पंचायत्स बाय मार्च 2024। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि भितरकनिका, सिमलीपाल। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो ओडिशा में हैं, जगन्नाथ टेम्पल और कोनार्क सन टेम्पल। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल अनवील्ड? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पर इसको अनवील किया गया है। 35.5 फीट टॉल है, 4000 स्क्वायर फीट स्ट्रक्चर बनाया गया है ये, और 3 मंदिर लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शंकर और गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड हैं जो ये बनाए गए हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द घोल फिश एज इट्स स्टेट फिश? तो ये है हमारा स्टेट गुजरात, जिसने घोल फिश को स्टेट फिश के रूप में डिक्लेयर किया है। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और ये जो घोल फिश को स्टेट फिश के रूप में दर्जा दिया गया है, ये डिसीजन अनाउंस किया गया है इन फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई 2023 में, कहाँ पर? गुजरात साइंस सिटी में। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नर अप्रूव्ड अ बिल रेजिंग द रिजर्वेशन कोटा फ्रॉम 50% टू 65%? तो बिहार इसका आंसर होगा। रिजर्वेशन कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। बिहार की कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार हैं, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और नया टाइगर रिजर्व बिहार में बन रहा है कैमूर। विच स्टेट हैज़ बैग्ड द फर्स्ट प्राइज़ फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज़? इनलैंड फिशरीज़ में बेस्ट स्टेट के लिए पहला प्राइज़ मिला है उत्तर प्रदेश को। वही कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में, उसी में उत्तर प्रदेश को ये पहला प्राइज़ मिला है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री संपदा योजना जो है ना, उत्तर प्रदेश में इसी के तहत 31 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से हमें यूपी को ये फर्स्ट प्राइज़ देखने को मिला। बेस्ट स्टेट रहा ये। विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू हैव अ हॉल मार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? तो ये पहला स्टेट कौन सा है? केरला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केरला बना है पहला स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल 14 डिस्ट्रिक्ट्स। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 17 वो है, इसका एडिशन है, हैज़ कमेंस्ड इन विच स्टेट? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज ये देखने को मिली उत्तराखंड में। कौन सी कंट्रीज़ के बीच होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। 17 एडिशन है इसका, 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में ये हुई, और कहाँ पर? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड 2023 फॉर इट्स सारिएज सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम? तो ये कौन सा स्टेट है जिसको ये अवार्ड मिला है? ये स्टेट है कर्नाटका। 95th स्कॉच समिट ये हमें देखने को मिलेगी, ये देखने को मिली नवंबर 18 में, कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी थीम थी स्टेट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, और कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इसमें स्कॉच नेशनल अवार्ड मिला है फॉर इट्स पायनियरिंग 1 करोड़ रुपीज़ एक्सीडेंट रिलीफ सारेज सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हॉट कुकड मील स्कीम। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ने इसको लॉन्च किया है और इसके अलावा कई सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की भी फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा रखी गई है। रिसेंटली द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कंबाला हैज़ कमेंस्ड इन विच स्टेट। ये देखने को मिली कर्नाटका में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंबाला फेस्टिवल नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक ये चलता है, ठीक है, तो कहाँ पर, कर्नाटका में। रिसेंटली मिशन दक्ष हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इस मिशन को बिहार के द्वारा अनाउंस किया गया है। मिशन दक्ष टू एड 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स। एम है इसका टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस टू स्टूडेंट इन क्लास 3 to 8 स्टेट वाइड, ठीक है। 3 से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरू किया गया है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स के देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई डेटा द डेली वेजेस ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल वर्कर कौन से स्टेट में सबसे कम है, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी, इनकी अभी डेथ हो गई है। ये कौन से स्टेट की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं, तो ये तमिलनाडु में गवर्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है। जस्टिस फातिमा बीवी भारत की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज। फिर नेक्स्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स एंड वेमेन। उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओनाटुकारा सीसम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ GI टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये केरला से रिलेटेड है, GI टैग इसको दिया गया है रिसेंटली। रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ इंडो-US जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार, कहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया, मेघालय में किया गया, ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया और USA की जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है। रिसेंटली यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इसने ऑर्गेनाइज किया है इसका एनुअल UN फोरम 2023, कहाँ पर, नई दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन 2022, तो ये है स्टेट तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है मेरा होचोंगबा फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फ्री ट्रेनिंग फॉर 15 रूकी पायलट्स इन द प्रपोज्ड पायलट ट्रेनिंग अकेडमी इन दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो दुमका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, झारखंड में है, यहीं पर ये फ्री ट्रेनिंग को अप्रूवल दिया गया है। रिसेंटली विच टीम इमर्ज्ड एज द ओवरऑल विनर्स एट द 37th नेशनल गेम्स 2023, कहाँ पर हुए थे नेशनल गेम, गोवा में हुए थे। और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ये किसको मिली है, कौन ओवरऑल विनर रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। ओवरऑल विनर जो रहता है उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है, याद रखिएगा। नेशनल गेम्स गोवा में हुए। अब यहाँ पर नवंबर की कुछ बुक्स हैं, वैसे तो बुक्स का सेक्शन आगे आएगा लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा हो गया होगा आगे पीछे। तो बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट देख लेते हैं, कुछ 4-5 बुक्स जो दी गई हैं। इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड डॉक्टर मोहन कुमार की बुक है। प्रणव माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी की बेटी है, इनके द्वारा लिखी गई है। 2 पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसे लॉन्च किया है प्रसून जोशी ने। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन अशोक टंडन की बुक है। और PM मोदी ने 3 बुक्स रिलीज़ की हैं जिनका नाम है पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और राष्ट्र लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ये किसके द्वारा तीनों बुक्स लिखी गई हैं, तो B रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा इन बुक्स को लिखा गया है। अब आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस स्कीम के तहत क्या होगा ना कि बेसिकली जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इमरजेंसी डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि पुनीत राजकुमार ये जो थे इनकी भी डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम अगर कोई सफ़र करता है अचानक से ही होने वाली प्रॉब्लम है वैसे भी ये, तो कोई सफ़र करता है तो पब्लिक प्लेसेस पर उसके लिए इमरजेंसी डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कुशा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है DRDO से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाएगा विद द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल फ्रॉम एक्सटेंडेड डिस्टेंसेस इफेक्टिवली। ठीक है, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। चेयरमैन है इस समय समीर वी कामत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। दिसंबर 2023 में ये एंड होने वाली है और अब फिर से इसको 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है और मार्च 2020 में इसको सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये रूल्स हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और अभी इन रूल्स के तहत क्या है कि जितने भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, LLPs जितने भी हैं, इनको एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है विदिन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज़ के अंदर इनको रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन करना, ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी कर दी गई है। ठीक है, 28 अक्टूबर से इन रूल्स को इफ़ेक्टिव कर दिया गया है। लीप अहेड इनिशिएटिव इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इस इनिशिएटिव को हमारी मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और द इंडस इन एंटरप्रेन्योर्स का। ये एम करता है टू बूस्ट टेक स्टार्टअप्स दैट आर इन द इनिशियल स्टेजेस। दिशा स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। इस स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था। दिशा की फुल फॉर्म है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस ऑफ जस्टिस। 2021 में लॉन्च किया गया था, 2026 तक के लिए 5 साल के पीरियड के लिए, और लीगल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इसको दिशा स्कीम को लॉन्च किया गया था। और दिशा स्कीम के अंदर ही एक प्रोग्राम को रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, याद रखिएगा दिशा स्कीम और ये प्रोग्राम। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द छात्र परिवहन सुरक्षा स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया है हरियाणा ने। इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा बस सर्विसेज फॉर विलेजेस विद मोर देन 50 स्टूडेंट्स अटेंडिंग फार फ्लंग स्कूल्स एंड इन विलेजेस विद 30 to 40 स्टूडेंट्स। मिनी बस अवेलेबल करवाई जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूर जाते हैं कई स्कूल्स में। तो परिवहन सुरक्षा को देखते हुए हरियाणा के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, छात्रों के लिए। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द पौरा ध्वनि प्रोग्राम। इसे केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू इंस्टिल साइंटिफिक एप्टीट्यूड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड अवेयरनेस अबाउट राइट्स अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, और सभी के लिए है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं ना। अब यहाँ पर वन लाइनर्स में देख लेते हैं थोड़ी सी। तो RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, इसके 6 साल अभी कंप्लीट हुए हैं। 2016 में ये स्कीम शुरू की गई थी। PM स्वनिधि स्कीम, 50 लाख बेनिफिशरीज़ इसने सरपास कर लिए हैं। 1 जून 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान की बात करें तो ये न्यूज़ में है अभी। ये राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च की गई थी 8 मार्च 2018 में। PM विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो आर्टिसंस और क्राफ्टमैन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम, इसको लॉन्च किया जा रहा है। और लखपति दीदी स्कीम, गवर्नमेंट के द्वारा 2 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके तहत। अब आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी, नेशनल करंट अफेयर की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड है ये रेल प्रोजेक्ट। क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट है। PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना दोनों के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और इसके बाद क्या होगा कि अगरतला और कोलकाता, इनके बीच का जो ये रूट है ये 31 घंटे का ये सफ़र था जो कम होकर अब 10 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन सेशा विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ। किसका इलीगल ट्रेड रोकने के लिए ऑपरेशन सेशा को स्टार्ट किया गया है। तो ये है टिम्बर, लकड़ी का जो इलीगल ट्रेड होता है इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स। इसके लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। फोर्थ फेज़ है इसका, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे। तो माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को। CBSE is going to open a new administrative office in which country? इसका आंसर होगा UAE। UAE में जो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए CBSE का ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वहाँ पर खोला गया है। इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द स्टैच्यू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्ड। तो सचिन तेंदुलकर के स्टैचू को अनवील किया गया है वानखेड़े स्टेडियम ऑफ मुंबई में। 10 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था और 2013 में रिटायरमेंट लिया था उन्होंने। वानखेड़े स्टेडियम में ही अपना लास्ट मैच उन्होंने खेला था। ठीक है, वहाँ पर इनका ये स्टैचू लगाया गया है। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 2014 में। यहाँ पर स्टैचूज़ रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट का है आदि शंकराचार्य का, ओमकारेश्वर MP में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट का रामानुजाचार्य का है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट का है BR अम्बेडकर का, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस, 2 स्टैचू ऑफ पीस हैं, एक रामानुजाचार्य का जम्मू कश्मीर में है और दूसरा विजय वल्लभ सुरीश्वर का राजस्थान में है, 151 इंच का। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट का नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का बेंगलोर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल का, नर्मदा रिवर गुजरात में। विश्वास स्वरूपम 369 फीट का है नाथ द्वार राजस्थान में। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा 100 फीट लॉन्ग है ये, बोध गया बिहार में। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान 108 फीट का मोरबी गुजरात में है। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता 251 फुट लॉन्ग है सीतामढ़ी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। इस ब्रांड को लॉन्च किया है अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ये एक ब्रांड लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, एमिंग टू बिकम ट्रस्टेड ग्लोबली। ये जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL है, एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑर्गेनिक ग्रोअर्स, प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 20 प्रोडक्ट्स बाय दिसंबर। मतलब भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 20 प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना एम है मेन। शुरुआत में 6 प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस और सोना मसूरी राइस। 20 प्रोडक्ट्स टोटल इनको इंट्रोड्यूस करने हैं और इन प्रोडक्ट्स को सफल आउटलेट के ज़रिए बेचा जाएगा। सफल आउटलेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर है। ठीक है, रिसेंटली बिगेस्ट बैप्टिस्ट चर्च इन एशिया, कोन्याक बैप्टिस्ट चर्च मॉन, इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इसको नागालैंड में इनॉग्रेट किया गया है। बिगेस्ट चर्च इन एशिया है ये। ठीक है, रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर द बाली यात्रा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। इसको महानदी रिवर के किनारे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है, एशिया का लार्जेस्ट है। नाम क्या है? बाली यात्रा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको शुरू किया गया था, 4 दिसंबर तक ये चला है। कटक ओडिशा में महानदी रिवर के किनारे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। रिसेंटली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इनको रीनेम किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत याद रखिएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब इनका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। टैगलाइन रखी गई है आरोग्य परमम धनम, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर रीनेम किया गया है। रिसेंटली द इंटरनेशनल न्यूट्री सेरील कन्वेंशन 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये देखा गया हैदराबाद में। द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ये हमने आगे भी कई बार देखा है इस क्वेश्चन को। अहमदाबाद गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम रखी गई है सेलिब्रेट द फिशरीज एंड एक्वा कल्चर वेल्थ। रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ चोजन विच एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2023? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया गया है हेल्यूसिनेट। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए हेल्यूसिनेट की क्या होती है? सीम टू सी, हियर, फील और स्मेल समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यूजुअली बिकॉज ऑफ अ हेल्थ कंडीशन और बिकॉज यू हैव टेकन अ ड्रग। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है, देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, फील की जा सकती है, फिर स्मेल की जा सकती है। ठीक है, किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से या फिर कोई ड्रग लिया हुआ है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि वो है बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। What is the name of South Center of Excellence inaugurated by PM Modi at the second Voice of Global South Summit? इसका नाम क्या है? साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दक्षिण नाम है इसका, ठीक है। साउथ मतलब दक्षिण ही होता है ना हिंदी में, तो इससे याद रखिएगा। डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है दक्षिण। Recently, which city has become the only city from India to be included in the Condé Nast Travelers list of 11 best destinations in Asia for 2024? तो भारत की तरफ से only city इसमें रही है कोची 11 best destination में, ठीक है, एशिया में 2024 में। तो 2024 के लिए कौन से हैं ये 11 बेस्ट डेस्टिनेशन? नेपाल का काठमांडू वैली, भारत से कोची है, सिंगापुर है, उज्बेकिस्तान का सिल्क रोड, जापान का कोबे, थाईलैंड का बैंकॉक, मंगोलिया, यूएई का रास अल खैमा, सऊदी अरबिया का रेड सी, वियतनाम का दानांग और साउथ एंड सेंट्रल श्रीलंका, ठीक है। भारत की सिर्फ एक सिटी है, दैट इज़ कोची, याद रखिएगा। Recently, the 5th edition of the Indian Chemical Council Sustainability Conclave 2023 was held in which city? ये कॉन्क्लेव नई दिल्ली में देखने को मिली, 5th एडिशन था इसका। थीम है इंटीग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। Recently, the Ministry of Housing and Urban Affairs organized the India Smart Cities Conclave 2023 in which city? इसका आंसर है इंदौर। फिर इसके अलावा नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कैटेगरी में इंदौर ने टॉप रैंक हासिल की है, मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में टॉप पर रहा है, ठीक है। फिर सैनिटेशन, अर्बन एनवायरनमेंट एंड वाटर कैटेगरीज में भी इंदौर फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है। नेशनल स्मार्ट सिटी में इंदौर फर्स्ट था, सूरत और आगरा सेकेंड और थर्ड थे। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? तो भारत चेयरमैन है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का 2024 के लिए। 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस ऑफ नागालैंड? तो ये किसामा विलेज ऑफ नागालैंड में मनाया जाएगा। रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड उलीहातू विलेज, द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड में तो हैं, भगवान बिरसा मुंडा इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि झारखंड की बात हो रही है। झारखंड का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुंथी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर उलीहातू विलेज है, जहाँ पर रिसेंटली हमारे पीएम ने विजिट किया था। रिसेंटली द नेशनल कैडेट कॉर्प्स सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन November 26, 2023। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आप में से कई लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज में एनसीसी के पार्ट भी रहे होंगे, तो ये मोटो आपको याद ही होगा। नहीं भी याद है तो कर लीजिए, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और 26 नवंबर को 75th एनिवर्सरी एनसीसी की सेलिब्रेट की गई है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, इंटरनेशनल करंट अफेयर पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रेवल विदाउट वीज़ा? ये कंट्री है थाईलैंड। कुछ टाइम के लिए ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, 10 नवंबर से लेकर 10 मई 2024 तक इंडियंस थाईलैंड में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और थाईलैंड में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? तो FATF की ग्रे लिस्ट में से रिमूव किया गया है अल्बानिया को। सिर्फ अल्बानिया नहीं है, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जैसे सेमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया, इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है और बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ग्रे लिस्ट में ऐसी कंट्रीज शामिल की जाती हैं जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग में उसको कम करने में एक्टिव भूमिका नहीं निभा पाती हैं। मनास विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ सिटी इन विच कंट्री? ये सिटी है ब्राज़ील में। ये सिटी अभी न्यूज़ में थी, ब्राज़ील में है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन रही थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो ये जो कंडीशन है मनास से रिलेटेड ही है। मनास के पास में नेग्रो रिवर थी एक, जो अमेज़न रिवर से जाकर मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ब्राज़ील का, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मनास सिटी न्यूज़ में आई है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेज़न रिवर तो है ही इम्पॉर्टेंट। विच कंट्री हैज़ बिकम 95th मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस? का 95th मेंबर बना है चिली। ऑप्शन डी करेक्ट है। ISA को 2015 में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन दोनों के द्वारा मिलकर स्टेब्लिश किया गया था। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में और DG हैं इसके अजय माथुर। रिसेंटली क्लूचेवस्काया सोब का वॉल्केनो इरप्टेड। इट इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री? ये सिचुएटेड है रशिया में। ऑप्शन सी करेक्ट है। रशिया के कामचटका पेनिनसुला में ये है और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये यूरेशिया में। कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और लार्जेस्ट कंट्री है रशिया वर्ल्ड में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो? इसकी कैपिटल है किनशासा। और यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था जो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक लेक इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री? ये सिचुएटेड है इंडोनेशिया में। और अभी इसकी एक यूनिक नेचुरल फिनोमेना एक वहाँ पर होता है इस लेक में, जिसकी पिक्चर अभी कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन के ज़रिए कैप्चर की गई है। द लेक इज़ फिल्ड विद अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। पेड्रो सांशेज हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड टर्म है ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनका। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है। फिर 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का विनर भी स्पेन रहा है, रनर अप इसमें था इंग्लैंड। विच कंट्रीज़ वोल्केनो अनक क्राकाटाऊ रिसेंटली इरप्टेड? तो ये वोल्केनो इंडोनेशिया का है जो इरप्ट हुआ है रिसेंटली। और ये कहाँ पर है? रकाता आइलैंड में इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। हु हैज़ अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन लग्जमबर्ग? तो इसका आंसर होगा लुक फ्रीडन। वेयर वॉज द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस अंडर द पेरिस प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया कोपेनहेगन डेनमार्क में। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ये होने वाली है दुबई में, जो अभी हमें देखने को मिल भी रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। COP 28 UAE में ये चल रही है। रिसेंटली साइक्लोन मिथिली मेड लैंडफॉल इन बांग्लादेश। द नेम मिथिली वॉज गिवन बाय विच कंट्री? तो ये नाम जो है मालदीव्स के द्वारा दिया गया है साइक्लोन मिथिली को। बांग्लादेश में इसकी वजह से लैंडफॉल देखा गया था नवंबर में। फिर यहाँ देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट नेटवर्क दैट कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ रेट ऑफ 1.2 टेराबिट्स पर सेकेंड? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? आंसर है फ्रांस। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? तो WMO वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको किया गया है। साइक्लोन हमून हैज़ मेड लैंडफॉल इन बांग्लादेश। ये साइक्लोन जो है किसके द्वारा इसका नाम दिया गया है? ईरान ने साइक्लोन हमून को ये नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच सिटी नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? ये सिटी है कोझिकोड, केरला की सिटी है। सिटी ऑफ लिटरेचर इसको मार्क किया गया है। ये पहली सिटी है भारत में टू होल्ड दिस कोवेटेड डिस्टिंक्शन। फिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है इसको सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में रिकग्नाइज़ किया गया है। प्राग फर्स्ट सिटी बनी थी टू रिसीव द सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल इन 2014। और वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन ये सिटीज़ वाला जो सिस्टम है सर अनाउंस किया जाता है 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट एवर लैवेंडर फार्म इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? इसको कंस्ट्रक्ट किया गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का फर्स्ट एवर लैवेंडर फार्म। फिर यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी समिट ये UK में हमें देखने को मिला। Which South Asian nation recently became the first to register a case of same sex marriage? नेपाल में ये देखने को मिला, पहली सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया गया साउथ एशियन नेशन में, नेपाल में। In which city will India's first telecom center of excellence be established as proved by the Uttar Pradesh CM? तो ये है सहारनपुर। ठीक है, इंडिया की पहली टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। Which company partnered with Nokia to launch India's first Wi-Fi 6 ready broadband network? तो ये है Tata Play Fiber। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एनवायरमेंट करंट अफेयर की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल हॉक सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये एसोसिएटेड है कर्नाटका से। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलोंग विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है हॉक सिस्टम। ये एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू मैनेज इंटरलिंक्ड डेटाबेस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स एंड वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी। ठीक है, और हॉक का डेवलपमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2017 में केरला में। अब कर्नाटका में इसको कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसोसिएटेड है, केरला में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। In which Indian state was the new mushroom species Candoleomyces albosquamosus discovered? तो ये मशरूम की नई स्पीशीज़ केरला में डिस्कवर की गई है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में ही लोकेटेड है। Which region in Jammu and Kashmir has recently been awarded the GI tag for its saffron? Saffron के लिए GI tag कौन से रीजन को मिला है? यह है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। Which part of the globe accounts for more than 95% of the recent decline in global water availability? यह है सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर ग्लोबल वाटर अवेलेबिलिटी में 95% का डिक्लाइन, रीसेंट डिक्लाइन देखा गया है और ये एक स्टडी में पब्लिश किया गया है। जर्नल जो एक नेचर कम्युनिकेशन है, इसमें एक स्टडी पब्लिश की गई जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? ये अवार्ड से लियोनल मेसी को अवार्ड किया गया, इनको ऑनर किया गया है। 8वीं बार इनको ये मिला है और ये अवार्ड फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। हु वन 10 years एंड अंडर कैटेगरी रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 10 साल या उसके अंडर कैटेगरी में दिया गया है विहान तालिया विकास को। बेंगलुरु से ये बिलोंग करते हैं और इनको ये मिला है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन में प्राइज़ मिला है, टॉप प्राइज़। Who has been awarded the British Academy Book Prize of the Book Prize for the year 2023? ये मिला है नंदिनी दास को। इनकी बुक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक के लिए इनको ये दिया गया है। Who has given Kerala's highest civilian award? ये दिया गया टी पद्मनाभन को। राइटर हैं ये और प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड दिया गया है फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। फिर केरला प्रभा अवार्ड ये भी दिए गए हैं। तो हमारी रिटायर्ड जस्टिस एम फातिमा बीवी, अभी इनकी डेथ भी हो गई है, पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज ये रही थी और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है टू सोशल सर्विस एंड सिविल सर्विस। फिर नटराज कृष्णमूर्ति, इनको भी केरला प्रभा अवार्ड मिला है फॉर हिज अकम्पलिशमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ये सेकेंड हाइएस्ट है केरला का, केरला प्रभा अवार्ड, और केरला ज्योति हाइएस्ट अवार्ड है, टी पद्मनाभन को ये दिया गया है। Who has been awarded the रोहिणी नैयर प्राइज़? ये प्राइज़ से दीनानाथ राजपूत को अवार्ड किया गया है, सेकेंड अवार्ड है जो इनको ये दिया गया है। और छत्तीसगढ़ बस्तर में जो ट्राइबल वेमेन हैं, इनको एम्पावर करने में दीनानाथ राजपूत ने काफ़ी काम किया है। Which Indian state bagged the Global Responsible Tourism Award 2023? ये अवार्ड केरला को मिला है। किस लिए मिला है? तो केरला में जितने भी सस्टेनेबल और वेमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं उसके लिए दिया गया है, ठीक है। और केरला का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है जिसके तहत कई सारे इनिशिएटिव थे, उन्हीं को ये अवार्ड मिला है। और केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हु हैज़ रिसीव्ड द कलाकार पुरस्कार? ये पुरस्कार मिला है क्रिस्टोफर डिसूजा को, कोंकणी थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर हैं और इनको ये दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड? ये मिला है सोम दत्ता सिंह को। किसके द्वारा? इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी फॉर हर एग्जेम्पलरी वर्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। EPFO रीजनल ऑफिस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ रिसीव्ड भविष्य निधि अवार्ड 2023? तो जम्मू में जो EPFO का रीजनल ऑफिस है उसको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट निधि आपके निकट 2.0 कैंपेन कैटेगरी में ये दिया गया है इसको। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फैशन आइकन अवार्ड? ये मिला है सेरेना विलियम्स को, पहली एथलीट हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। रांगिया एंड मारियानी रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट हैव बीन अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो ये दोनों स्टेशन असम में है रेलवे स्टेशन, इनको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया गया है FSSAI के द्वारा, ठीक है। ऐसे रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो कि बेंचमार्क सेट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर्स। Recently, which film has won the Golden Peacock Award at the 54th International Film Festival of India 2023 in Goa? इसका आंसर है Endless Border। गोवा में ये हुआ 54th International Film Festival। विनर्स की लिस्ट देखें तो गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर है। बेस्ट एक्टर मेल में पौरिया राहिमी सैम रहे फॉर एंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्टर फीमेल में मेलानी थियरी फॉर पार्टी ऑफ फूल्स। बेस्ट डायरेक्टर इसमें स्टेफन कोमंदरेव फॉर ब्लागाज लेसन्स। और बेस्ट वेब सीरीज़ इसमें पंचायत सीज़न 2 रही। रिसेंटली पॉल लिंच हैज़ वॉन द 2023 बुकर प्राइज़ फॉर विच नोवेल? तो इस नावल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। 2023 बुकर प्राइज़ विनर रहे पॉल लिंच। ये आयरलैंड से हैं। प्रॉफिट सॉन्ग नावल के लिए इनको ये मिला है। सीरियन वॉर और रिफ्यूजी क्राइसिस पर ये बेस्ड है इनकी नावल। फिर 2022 का बुकर प्राइज़ मिला था शेहान कारुंथीलगा, श्रीलंकन ये ऑथर हैं और इनकी नावल थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। रिसेंटली हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023, ये टाइटल जीता है शेनिस पेलेसियोस ने। निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। 72nd मिस यूनिवर्स का ये टाइटल था, ठीक है। भारत की तरफ से भारत को इसमें रिप्रेजेंट किया था श्वेता शारदा ने। लास्ट ईयर का 71st मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल जीती थी, उससे पहले का हरनाज सिंधु जीती थी। 3 इंडियंस हैं जो मिस यूनिवर्स क्राउन जीत चुकी हैं। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज संधू 2021 में। रिसेंटली हु हैज़ वन द 2023 JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हिज नावल फायर बर्ड। ये हैं पेरुमल मुरुगन। JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको मिला है इनकी नावल के लिए। नावल का नाम है फायर बर्ड, ठीक है। तमिल में लिखी गई है ये। आलंदा पैची इस नाम से तमिल में लिखी गई है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ज्ञानी कन्नन ने, ठीक है। यहाँ पर देख लें कुछ और अवार्ड्स तो साइंटिस्ट VR ललिताम्बिका, इनको फ्रेंच सिविलियन ओनर दिया गया है लीजन डी ओनर अवार्ड। अब्दुल्लाही मीर UNHRC नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड इनको दिया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग दी गई है बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। दीप्ति बबूता फर्स्ट वुमेन बनी है टू बैग धहन प्राइज़ फॉर पंजाबी लिटरेचर। सुरेश वडकर महाराष्ट्र का लता मंगेशकर अवार्ड इनको मिला है। अपलिनारिस डिसूजा कलाकार पुरस्कार अवार्ड इनको मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। टी पद्मनाभन को प्रेस्टीजियस केरला ज्योति अवार्ड मिला है और नंदिनी दास को 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ दिया गया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर की। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट। ये कौन है? शाहीन अफरीदी हैं। 51st ODI मैच में इन्होंने 100 ODI विकेट्स कंप्लीट किए हैं अपने। इनसे पहले मिशेल स्टार्क के पास, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, इनके पास ये रिकॉर्ड था। 52 मैच में इन्होंने अपने 100 ODI विकेट्स लिए थे। विच कंट्री इज़ रेडी टू होस्ट द 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप। ये होने वाला है सऊदी अरबिया में 2034 में। 2022 में कतर में हुआ था, फिर 2026 में स्पेन, पोर्तुगल और उरुग्वे में होगा। 2030 में कनाडा, मैक्सिको और US में होगा। फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में। डेविड विली टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर वर्ल्ड कप 2023। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने अपना ऑलराउंडर है ये, इंग्लैंड के, और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर टू इन वर्ल्ड कप? ये रहे हैं मोहम्मद शामी, सबको पता ही है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी? ये टाइटल जीता है पंजाब ने और यहाँ पर हम डिटेल्स देखें। विनर रहा पंजाब पहली बार, रनर अप था बड़ौदा। अनमोल प्रीत सिंह बने हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन फाइनल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ठीक है। ये डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप है भारत में और BCCI के द्वारा होस्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज़ की जाती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ में अभिषेक शर्मा थे। सबसे ज़्यादा रन बनाए रियान पराग ने असम के और सबसे ज़्यादा विकेट लिए रवि तेजा ने हैदराबाद के। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन वुमेंस हॉकी टीम इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग? इसमें भारत की रैंक है 6th। और बेस्ट टीम कौन सी है? नीदरलैंड्स है। उसके बाद 2nd नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आती है, भारत है 6 नंबर पर। विच कंट्री इन ऑन द टॉप स्पॉट इन फीडे ग्रैंड स्विस ओपन? इसमें टॉप नंबर पर कौन सी है? तो इंडिया है। फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर काम करता है। दीपिका कुमारी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं आर्चरी से। और नेशनल गेम्स हुए थे ना गोवा में, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। गोवा में हुए थे। मैस्कॉट इसका था मोगा, इंडियन बाइसन, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट हैं इसके PT उषा। मैग लेनिन अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। हु हैज़ बिकम ICC ODI रैंकिंग नंबर 1 बैटर? ये बने हैं शुभमन गिल। इनसे पहले बाबर आजम थे, अभी बाबर आजम को पीछे करके ये टॉप पर पहुँच गए हैं। रिसेंटली हु हैज़ वन द स्पेनिश वुमेंस ओपन 2023? गोल्फ की टूर्नामेंट की बात हो रही है। अदिति अशोक इसका आंसर होगा। इनका ये सेकंड लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल है, ठीक है, और फिफ्थ ओवरऑल है, मतलब इस साल का सेकंड है और ओवरऑल फिफ्थ टाइटल है। रिसेंटली विच कंट्री वॉन डेविस कप, टेनिस का कप होता है डेविस कप, 2023 का टाइटल किसने जीता? ये जीता है इटली ने, 111वां एडिशन था, इटली ने टाइटल जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। विच कंट्री हैज़ वन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 मेंस डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल, तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीती इंडिया को हराकर। अब इसमें देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली रहे, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शामी ने लिए 24 विकेट्स। मैस्कॉट क्या था इसका? टोंक और ब्लेज। ऑफिशियल थीम सॉन्ग दिल जश्न बोले। फिर वेस्ट इंडीज़ जो टीम है इसने मिस आउट किया ऑन क्वालिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। ओल्डेस्ट प्लेयर जो इसमें खेले वेस्ली बेरेसी नीदरलैंड्स के, और यंगेस्ट प्लेयर नूर अहमद अफ़गानिस्तान की तरफ से खेले। Recently, who amongst the following has won the ATP Finals title 2023 men's singles held in Turin, Italy? तो इसका ये टाइटल नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इन द डबल्स कैटेगरी राजीव राम एंड जॉय सेलिसबरी ये जीते हैं, ठीक है। इगा स्वाइतेक 2023 WTA फाइनल्स में जीती, मैक्सिको में जो कि हुई थी। 16th वर्ल्ड वुशू चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये देखने को मिला USA में। इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते जिसमें 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। हुआ कहाँ पर? USA में। थीम इसकी सॉलिडारिटी पीस एंड फ्रेंडशिप रही। मैस्कॉट था दिल्लो एंड स्ट्राइकर, और रैंक 1 चाइना की रही जिसमें 15 गोल्ड मेडल चाइना ने जीते हैं। विच कंट्री हैज़ वन द 11th एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023? ये टाइटल जर्मनी के द्वारा जीता गया है। जर्मनी का सेकंड टाइटल है ये, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। और ये हुआ कहाँ पर? ये मलेशिया में देखने को मिला था, ठीक है। अभी यहाँ देखें विच स्टेट विल होस्ट अल्टीमेट खो खो सीज़न 2 फ्रॉम December 24, 2023? ये ओडिशा होस्ट करेगा। पहले इंडियन शूटर टू विन अ मेडल इन 25 मीटर रैपिड फायर एट ISSF वर्ल्ड कप फाइनल, ये है अनीश भनवाला। हु विन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप फॉर रिकॉर्ड 26th टाइम? पंकज आडवाणी है। विच प्लेयर वैक्स स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम? विराट कोहली का वैक्स स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और विच प्लेयर ब्रेक्स सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज इन एन ODI? तो विराट कोहली ने 50th सेंचुरी कंप्लीट की है। 50th सेंचुरी इनकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनी थी। सचिन तेंदुलकर की 49th है, ठीक है, 49 है। अब विराट कोहली की 50 हो गई हैं, तो उनसे ज़्यादा हो गई हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू लीड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन? ये हैं साइमा वाजिद, जिनको अपॉइंट किया गया है, बांग्लादेश की हैं ये, और ठीक है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना उनकी बेटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल? इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं राजेंद्र मेनन, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ये, और इनको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है अगले 4 सालों के लिए फिर से। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है भारत का, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टेट्यूटरी बॉडी सेटअप है अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2007, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। चेयरपर्सन इसके रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। Who has been appointed the joint director in the CBI for 5 years? ये हैं प्रवीण मधुंकर, सीनियर IPS ऑफिसर हैं CBI के। जॉइंट डायरेक्टर के रूप में इनको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। CBI की बात करें 1963 में फॉर्म हुआ था। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर ये काम करता है। Who has been appointed चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली? ये बने हैं हीरा लाल समरिया, ऑप्शन A करेक्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको ओथ दिलाई गई। यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह ये आए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? ये बने हैं हितेश कुमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये हैं सौरव गांगुली, ठीक है। शाहरुख खान थे इनसे पहले, अभी ये बने हैं। यहाँ देखें प्रदीप कुमार पाल डायरेक्टर हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के डायरेक्टर बनाए गए हैं। फिर हैं एंड्री रजोयलिना, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हीरालाल समरिया 12th चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। अशोक वसवानी MD और CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, और पंकज त्रिपाठी UPI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर यहाँ देखिए मनोरंजन मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के बनाए गए हैं। अमोल मजूमदार हेड कोच हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। राजकुमार राव नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अशोक वसवानी कोटक महिंद्रा बैंक के CEO। संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन और MD। संजय कुलक्षेत्र ये हुडको के चेयरमैन और MD बने हैं। रघुवर दास ओडिशा के नए गवर्नर। इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के नए गवर्नर और तरुण सोबती नेवल स्टाफ के डिप्यूटी चीफ बने हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इस समिट को UK में 1 और 2 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। This summit brings together global leaders to discuss the growing concerns surrounding the safety of advanced AI technologies. In which country was the COP28 conference held? ये हमने पीछे भी देखा, UAE में ये कॉन्फ्रेंस अभी देखने को मिल रही है COP28। ठीक है, COP27 भी थी इजिप्ट में। 2024 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन रशिया। 2024 में ब्रिक्स समिट रशिया में होगी कजान सिटी में। ऑप्शन डी करेक्ट है। थीम इसकी रखी गई है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म फॉर द पर्पसेस ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। रिसेंटली 4th आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2023 वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। ये लॉन्च किया गया मलेशिया में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4th एडिशन ऑफ आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम। ठीक है, ये एक एनुअल प्रोग्राम है जो फोकस करता है ऑन फॉस्टरिंग अ स्ट्रेंथेंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड AMS to premise of cooperation in science, technology and innovation. The second National Spice Conference 2023 will be held in which of the following cities? इसका आंसर है हैदराबाद और इसकी थीम रखी गई है फूड सेफ स्पाइसेस द वे फॉरवर्ड टू अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इनकम। IGBC ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 will be held in which of the following cities? इसका आंसर है चेन्नई। IGBC इंडिया की प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में और थीम इसकी रखी गई है इस कॉन्फ्रेंस की एडवांसिंग नेट जीरो थ्रू डिकार्बोनाइजेशन। यहाँ देखें कुछ और, रिसेंटली द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ये अबू धाबी में हुई, थीम इसकी है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया हिस्ट्री। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ये कहाँ पर हुई? तो अहमदाबाद में, थीम है इसकी सेलिब्रेट द फिशरीज एंड एक्वा कल्चर वेल्थ। यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2023 इन विच सिटी। तो नई दिल्ली में ये इनॉग्रेट की गई, थीम है इसकी डेवलपमेंट विज अ विज लैंड वाटर एंड रिवर्स। अब आ गए हम नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है MOU एंड एग्रीमेंट्स का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइंड MOU विद विच मिनिस्ट्री फॉर इलेक्टोरल लिटरेसी इन स्कूल्स। तो स्कूल्स की बात है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में ये MOU साइन किया गया है। NCERT ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये साइन किया है जिस पर ये काम करेंगे। ठीक है, और स्कूल में जो स्वीप टेक्नोलॉजी है, सिस्टमिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो स्वीप प्रोग्राम है इसको स्कूल और कॉलेजेस में एक्सटेंड किया जाएगा। स्कूल की टेक्स्ट बुक में इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में ऐड किया जाएगा और बच्चों को जागरूक किया जाएगा इस बारे में। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और इटली के बीच में साइन किया गया है टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। हाउ मेनी कंट्रीज़ साइंड वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीमेंट टू कंटेन रिस्क एसोसिएटेड AI। इसको 28 कंट्रीज़ ने साइन किया है। ब्लेचले डिक्लेरेशन के रूप में इसको जाना जाएगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है और इंडिया भी इसमें शामिल है, इसलिए याद रखिएगा। UK में जो AI के लिए कॉन्फ्रेंस हुई ना, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस, उसी में ये भी किया गया है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ री लॉन्च्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशंस। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच साइन किया गया है। ठीक है, श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोटे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और PM है दिनेश गुणवर्धने। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में ये MOU साइन किया गया है टू कोऑपरेट ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर। डे NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एंड होम साइंड MOU फॉर एनहांसमेंट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो डे NRLM इस स्कीम ने सिडबी के साथ में ये MOU साइन किया है ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव साइंड ए MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक MOU साइन हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड इनोवेशन। फिर यहाँ हम देखें इंडिया और यूएई के बीच में साइन हुआ है टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज़। इंडिया और जापान के बीच भी हुआ है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। इंडिया और तंजानिया के बीच 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच टाई अप हुआ है फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हुआ है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यूएस और वियतनाम के बीच ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। इंडिया और आर्मेनिया के बीच हुआ है इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। फिर है इंडिया और सऊदी अरबिया, इनके बीच में हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर के लिए नाबार्ड और यूएनडीपी के बीच, नाबार्ड और यूएनडीपी इंडिया के बीच फॉर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेटा के साथ इसने मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है फॉर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप टू स्किल 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स। नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच हुआ है टू एक्सेलरेट SDGs इन इंडिया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है टू एनहांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। इंडिया और पनामा के बीच ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। इंडिया और सिंगापुर के लिए 5 साल के लिए कोऑपरेशन के लिए एक्सटेंड किया गया है MOU। और इंडिया और ADB के बीच साइन हुआ है $200 मिलियन की लोन डील टू एनहांस अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इंडेक्स और रैंकिंग की। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है रिसेंटली द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय। इसको पब्लिश किया गया FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टार्ट हुआ था ये 2018-19 में टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। विच रैंक मुंबई गॉट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज ऑफ लग्जरी होम्स। मुंबई की रैंक इसमें 4th है। रियल इस्टेट कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक इंडिया, इसने रिलीज़ की है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023। तो इसमें मुंबई की रैंक 4th रही है, बेंगलुरु की रैंक 17th है इसमें, ठीक है। और न्यू दिल्ली और बेंगलुरु दोनों ने ही रिकॉर्ड किया है अपवर्ड मूवमेंट, मतलब यहाँ पर बढ़ोतरी ही हुई है। 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको WHO के द्वारा रिलीज़ किया गया 2022 में। और रिकॉर्ड 7.5 मिलियन पीपल वर डायग्नोस्ड विद ट्यूबरकुलोसिस। 1995 से जब से ये ट्रैक करना शुरू किया गया तब से अब तक का हाईएस्ट है ये, ठीक है। और WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट एस्टिमेट्स 10.6 मिलियन पीपल कॉन्ट्रैक्टेड TB इन 2022। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको UNDP के द्वारा रिलीज़ किया गया है। एज़ पर द रिपोर्ट द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये कम हुई है, 25% से 15% हुआ है, ठीक है। 2015-16 में 25% था, 2019-21 में 15% हो गया है। UNDP 22 नवंबर 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। हेड हैं इसके HM Steiner। टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये रही है IIT बॉम्बे। एशिया में टॉप 100 में 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई हैं इसमें, ठीक है। और एशिया में IIT बॉम्बे ये टॉप पर है भारत की यूनिवर्सिटी। और ओवरऑल रैंकिंग इसकी है 40th, ठीक है। फिर प्राइवेट, इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में QS एशिया रैंकिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। What is the rank of India in the recently released Global Talent Competitiveness Index 2023 by INSEAD? इसमें भारत की रैंक है 103rd। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एडिशन इसका 10th है। पब्लिश इसको करता है INSEAD। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड में। भारत की रैंक है 103। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेस करंट अफेयर की। यहाँ क्वेश्चन है पहला, स्विम प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। ये प्रोजेक्ट नासा से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्विम मतलब कि सरफेस, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। इसने अभी मार्स का मैप क्रिएट किया है, इंडिकेटिंग रीजन्स वेयर नासा मिशंस हैव डिटेक्टेड सब सरफेस वाटर आइस। मार्स पर वाटर आइस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर ड्रिंकिंग, रॉकेट फ्यूल एंड अदर पर्पसेस। एज द प्लैनेट इज थिन, एटमोसफेयर कैन नॉट सस्टेन लिक्विड वाटर, ठीक है। फिर आते हैं साइंस एंड टेक पर। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एवर AI पावर्ड एग्रीकल्चरल न्यूज़ मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका नाम कृषि 24/7 रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद वधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है कृषि 24/7 फर्स्ट एवर AI पावर्ड सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। याद रखिएगा इसका नाम। रिसेंटली 10 न्यू स्पीशीज़ ऑफ ट्रिलोबाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन को तारुताओ आइलैंड। इट इज़ इन विच कंट्री। ये थाईलैंड में डिस्कवर की गई। ये सब नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 10 न्यू स्पीशीज़ हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। को तारुताऊ आइलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड में है। और 10 स्पीशीज़ ट्रिलोबाइट्स की ये यहाँ पर खोजी गई हैं। Recently, the World Coal Association has changed its name to Future Coal, the Global Alliance for Sustainable Coal. Its headquarter are in which city? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Future Coal, Global Alliance for Sustainable Coal and the world's only coal multilateral and neutral representative organization. The 9th edition of the India International Science Festival 2023 will be held in which city? तो ये हमें फरीदाबाद में देखने को मिली और थीम इसकी रखी गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ऑबिचुरीज स्टार्ट होती हैं। तो सलीमुल हक हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच प्रोफेशन? तो ये एक क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, बांग्लादेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। हाँ, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट थे। रिसेंटली लीला ओमचेरी पास्ट अवे, शी वॉज अ फेमस सिंगर थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कर्नाटक, हिंदुस्तानी, सोपानम और फोक म्यूजिक में प्रोफेशन थी और 2008 में पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। रिसेंटली रोजलिन कार्टर पास्ट अवे, शी वॉज द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ विच कंट्री? ये यूएसए की फॉर्मर फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, ठीक है। 96 की एज में इनकी डेथ हो गई। इनको स्टील मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता था। The joint military exercise Mitra Shakti 2023 is being organized with India and which country? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट होती है और पुणे, इंडिया में इसका 9th एडिशन कंडक्ट किया गया। यहाँ आप देख लेते हैं थोड़े से वन लाइनर। रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द माई भारत प्लेटफॉर्म। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माई? माई मतलब मेरा युवा भारत, ठीक है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को इनॉग्रेटेड अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 12.24 किलोमीटर है। फिर 3 बुक्स पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई, रिलीज़ की गई, जिनका नाम है पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और राष्ट्रलीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ये लिखी गई हैं बी रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा। कॉलिन्स डिक्शनरी हैज़ नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर्स लाइफ साइज स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड एट द वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। इट इज़ क्रिएटेड बाय होम? ये क्रिएट किया गया है प्रमोद काम्बले के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बेरीनाग टी, बिच्छू बूटी फैब्रिक, मंडुआ, झंगोरा, गहट हैव रिसीव्ड GI टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस CBG विद CNG फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड PNG फॉर हाउस होल्ड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हैज़ बीन अप्रूव्ड? मतलब कि CNG और PNG में CBG कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड करने के लिए मैंडेटरी किया गया है कि 1% CBG को ब्लेंड करना है, या मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। रिसेंटली बॉयटा बंदाना फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसको ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? ये वर्ड है ऑथेंटिक। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है ये, पुणे में इसको अभी किया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट हेड्स फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। इंडियन नेवी डिप्लॉयज INS सुमेधा इन मोजाम्बिक टू बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी। सूर्य किरण 17 इंडिया और नेपाल के बीच एक्सरसाइज हुई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको किया गया। इंडिजिनस टैंक जिसका नाम है जोरावर, इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टेड विद BHEL ऑफ 2,956 करोड़ टू गेट 16 सुपर रैपिड गन टैंक्स फॉर द नेवी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री और BHEL के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसी के साथ फाइनली हमारी नवंबर की मंथली करंट अफेयर फिनिश होती है। 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको एंड यू आर डन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।